हेलो नमस्ते, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम के पैटर्न के बारे में कि नेक्स्ट एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न किस प्रकार का होगा, उनके टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम है, नेक्स्ट एग्जाम लगातार 3 दिन तक लगातार पेपर होंगे, मतलब कि डे फर्स्ट, डे सेकेंड और डे थर्ड, यानी तीनों दिन ही नेक्स्ट एग्जाम के पेपर होंगे और इसका टाइम ड्यूरेशन 4 आवर 30 मिनट्स का होगा। जिन नेक्स्ट एग्जाम का डे फर्स्ट होगा और डे फर्स्ट के दौरान मेडिकल एंड अलाइड सब्जेक्ट के पेपर लगेंगे और मेडिकल अलाइड पेपर सब्जेक्ट 120 मार्क्स के होंगे और ये 3 आवर का होगा और ये लंच से पहले होगा। और जहाँ पे ये अलाइड सब्जेक्ट है, अलाइड सब्जेक्ट मतलब इसमें रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी या ऑर्थो जैसे सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। खत्म होगा और लंच ख़त्म होने के बाद पीडियाट्रिक्स का पेपर लगेगा। पीडियाट्रिक्स का पेपर 60 नंबर का होगा और इसका टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे 5 मिनट का होगा, ये लंच के बाद लगेगा। जो नेक्स्ट का पेपर का सेकंड डे है, उस सेकंड डे के दिन सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट के पेपर लगेंगे और ये भी 120 नंबर के होंगे और इसका टाइम ड्यूरेशन होगा, टाइम 3 आवर का होगा और ये भी लंच से पहले लगेगा। और जो इसमें अलाइड सब्जेक्ट है, अलाइड सब्जेक्ट में एनीथीसिया सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जैसे ही लंच ख़त्म होगा उसके बाद ENT का पेपर लगेगा। ENT पेपर 60 नंबर का होगा और ये भी 1.5 ओवर का होगा। एग्जाम का जो डे 3 होगा उसमें ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड अलाइड सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और ये कितने नंबर का होगा, 120 नंबर का ही होगा और इसका टाइम ड्यूरेशन 3 आवर होगा। ये लंच से पहले होगा, इसमें अलाइड सब्जेक्ट होंगे जैसे एम्ब्रियोलॉजी सब्जेक्ट जिसमें पूछे जाएंगे। और लंच ख़त्म होने के बाद ऑप्थेल्मो का पेपर लगाया जाएगा। ऑप्थेल्मो का पेपर भी 60 नंबर का होगा और इसका टाइम ड्यूरेशन 1.5 आवर होगा। अब कंक्लूजन पर आते हैं, मतलब कि 60% प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके बाद 30% डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10% रिकॉल क्वेश्चन जिसमें सिम्टम्स टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब बेसिक क्वेश्चन प्रिवेंशन पब्लिक हेल्थ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्लीज लाइक एंड शेयर, डू नॉट फॉरगेट।